मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम लोग लास्ट टर्न पे काफी कुछ चीजें पढ़ चुके थे, और आज हम लोग को जो बेसिकली पढ़ना है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको समझेंगे। एक डायग्राम बना है, एक डायग्राम में एक स्टैंड है, और एक स्टैंड में आप देखिए क्या करा गया है कि एक यहाँ पर रॉड है, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड है, उसको वायर से कनेक्ट करा गया है और हैंग कर दिया फ्रीली। अब हमें इस तरीके से जैसे मार्कर है वैसे लटका दिया गया है। मैग्नेट कई टाइप के आते हैं, जैसे बार मैग्नेट आता है, वैसे यू शेप मैग्नेट भी होता है। यू शेप मैग्नेट यहाँ पर दिख रहा है, और जिस जो ये रॉड है ना, जिससे अभी मैं दिखाता भी हूँ आपको, ठीक, तो आप ये देख रहे होंगे जो रॉड है ना, ये वाली, ये देखिए कनेक्टेड है, ठीक, यहाँ पर देखिए, हाँ, और दूसरा एंड ये कनेक्टेड है। अब ये वाला एंड जो है आप देख रहे हैं तो ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक, और दूसरा वाला एंड जो है वो बी वाला, वो किससे जुड़ा हुआ है, एक की से जुड़ा है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने मैग्नेट लगा दी, जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे और जैसे ही मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट आप इस रॉड के पास लेकर जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ मूवमेंट दिखेगा। यानी ये जो रॉड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप या डाउन, राइट या लेफ्ट, आपको मूव करती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी कि एक जो है फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। यानी कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लेके जाते हैं तो वहां पर आपको क्या दिखाई पड़ता है, वहां पर आपको दिखाई पड़ता है एक फोर्स जो कि उस कंडक्टर की पोजिशन को चेंज करेगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आई किसी, कोई दिक्कत, ये डायग्राम समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। किसी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं अभी। सर वो मैग्नेट का, हाँ बोलो सर, मैग्नेट का क्यों यूज हुआ है? मैग्नेट, मैग्नेटिक, हमने क्या कहा, मैग्नेट का यूज नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी ना। तो हेडिंग क्या थी, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमने एक मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट लेके आए हैं। ये करंट कैरिंग रॉड आपको दिख रही है, कंडक्टिंग रॉड है ये, इसका एक एंड जो बी वाला है उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर की से होते पॉजिटिव टर्मिनल से, और उसका जो दूसरा एंड ए है उसको हम लोगों ने कहाँ से जोड़ा, निगेटिव से जोड़ा है। जैसे ही ऐसा करेंगे, जैसे करंट फ्लो करना शुरू करेगी इस कंडक्टिंग रॉड में, जैसे ही यू शेप मैग्नेट इसके पास लेकर आएंगे, तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रॉड क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट साफ साफ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम में है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर रॉड ए बी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमेशा कोई करंट कैरिंग रॉड होती है, एक किसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक परपेंडिकुलर फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, ठीक, ये बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसके, अब जो यहाँ पर दूसरा इंट्रोड्यूस होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना भी है ना। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है भाई, देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि इस तरीके से आप अपना हाथ कर लीजिए जैसे मैंने करा हुआ, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहा है, सब लोग अपना कर लीजिए। चलिए यस सर, अभी वीडियो ऑन करिए जरा, हम सबका देखें सबने करा है कि नहीं करा है। चलो ऐसे करना है, चलिए वीडियो ऑन करिए सब लोग अपना, ओपन द वीडियो, अर्पित, टू, निशांत, अंकित, स्मृति, साक्षी, सब लोग इस तरीके से बिल्कुल वीडियो ऑन करिए, और ये हमको पोजीशन दिखनी चाहिए सबके हाथ की, जिसकी वीडियो नहीं खुलेगी हम समझ लेंगे कि गड़बड़ काम कर रहे हैं। तनुष्का, उत्कर्ष, लकी, ध्रुव, सोन भी, किसी की वीडियो ऑन नहीं है, ठीक है। आर्यन, शर्मा, आर्यन सर कैसे करना है, ये देखो लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड जैसे आपकी वैसे करना है, हाँ बिल्कुल, ये देखो इस तरीके से हमने करा हुआ, लेफ्ट हैंड लो जो है परपेंडिकुलर में जो है थंब रखना है, फिर इसके बाद जो इंडेक्स फिंगर है, देन फिर मिडिल फिंगर है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई पड़ रही, क्या दिक्कत है, आराम से हो रहा है सर ऐसे।
हाँ ठीक है, गुड। लेफ्ट है ना, लेफ्ट हैंड है ना, राइट तो नहीं लिया है। हाँ लेफ्ट हैंड लेना है, राइट नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। बना साक्षी तुम्हारा, बना साक्षी अभी नहीं बना, दिखाई दे रहा मेरा सर बात की, दो फिंगर सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, डायग्राम भी दिख रहा होगा आपको सामने, दिखाई दिया। हाँ ओके, तो ये इस तरीके से, तो ये जो जो थंब होता है, ये थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसके बाद जो इंडेक्स फिंगर दिख रही है, ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताती है, और ये जो आप देख रहे हैं मिडिल फिंगर है, ये बताती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ठीक है, FBI बोलते हैं, FBI है ना, नाम बड़ा कॉमन है, आपने सुना है ना, यह जो है ये एक तरीके से USA की खुफिया एजेंसी FBI नाम है। तो F का मतलब फोर्स, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और I का मतलब करंट, FBI, ये आपको ध्यान रखना है। FBI रूल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, मतलब FBI रूल, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, थंब फोर्स, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर जो है करंट के बारे में बताती है। ठीक, चलिए अब बंद कर सकते हैं वीडियो, हम लोग वापस डायग्राम की तरफ आते हैं। आप सबको समझ में आ गया, सबने समझ लिया इसका कॉन्सेप्ट बड़ा आसानी से, किसी को कोई दिक्कत? तो ये देखो, ये थंब है, ये मोशन बताता है, नहीं फोर्स बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताती है, और जो तीसरी हमने मिडिल फिंगर बताई थी, ये करंट बताती है। ठीक, तो फील्ड, फोर्स और करंट, कहीं पर भी हमें अगर पता लगानी हो कि करंट की डायरेक्शन क्या है या फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो हम आसानी से इसके जरिए, इस फार्मूले के जरिए बता सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये देखिए, बढ़िया सर, देखिए सब लोग क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में एक एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट्स एज शोन इन फिगर। तो भाई देखिए, मैग्नेटिक फील्ड देखो किस तरीके से जा रही है, अपने आप कर लीजिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो और हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो फिर जो है आपकी करंट कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है, और करंट कहाँ फ्लो करेगी, ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। तो जो थंब की डायरेक्शन आपको दिख रही है, वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, कह रहा है राइट लगेगा, लेफ्ट लगेगा, आउट ऑफ द पेज लगेगा, या इन टू द पेज लगेगा। तो ध्यान से देखें, मेरे लैपटॉप की तरफ फिंगर जा रही है, और अगर आप भी करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो अंदर की तरफ फिंगर जा रहा है, यानी कि इन टू द पेज जा रहा है। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। पक्का? मीन्टू से वो लेफ्ट साइड जा रही है। हाँ, कहाँ पे? स्ट्रेट, थंब स्ट्रेट जा रहा है, तो मतलब वो लेफ्ट साइड होगा, अंदर की ओर जा रहा है ना। यस सर, है ना, जैसे आपका मोबाइल रखा होगा, तो मोबाइल की तरफ अंगूठा आ रहा होगा। यस सर। हाँ, यानी कि इनटू द पेज हो गया। ठीक, मोबाइल को थोड़ी देर पेज मान लीजिए, तो इनटू द पेज हो गया। ठीक, एक प्रॉब्लम और दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन तुरंत आपको करके बताना है। ठीक, चलिए देखिएगा ध्यान से डायग्राम। ये जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो एरो बना रहे हैं। रुकिए, ओके, एक एरो दिखा, ठीक, एक एरो दिखा सबको। यस सर। अब ये दूसरा एरो दिखा दे, जस्ट अ मिनट। तो चलो दूसरा एरो देखते हैं। ये देखो, ये दूसरा एरो दिख रहा है सभी को। ठीक, इसके बाद तीसरा एरो दिख रहा है सबको, दिख रहा है तीसरा एरो। ये मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ठीक है, और अब की बार जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया।
चलो जल्दी से बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जो हमने आउट ऑफ द पेज है आउट ऑफ द पेज सर टू आउट ऑफ द पेज आउट ऑफ द पेज पक्का सर टू द लेफ्ट टू द लेफ्ट चलो ट्राई करते हैं अभी आपने कर ही लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जा रही है ये देखिए ठीक यहां पर जा रही है ठीक इसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर है तो फिर आपका जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है थोड़ा इन्वर्टेड दिखाई पड़ रहा होगा मिरर इमेज बन जाती है ठीक है तो मेरे अकॉर्डिंग बी वेक्टर जो है जा रहा है लेफ्ट साइड में करंट फ्लो करेगी नीचे की तरफ तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार भी इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेट जो है फोर्स लग रहा है आपने क्या पकड़ा मुझे नहीं मालूम मेरे अकॉर्डिंग इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ पेज के अंदर की आप लोग क्या कह रहे हैं बताइए बताओ भाई बाहर आ रहा है पेज के अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है ना अभी कोई कह रहा था बाहर जा रहा है सर मेरा तो लेफ्ट में चला गया था लेफ्ट में हमने कहा ना देखो हमारी मिरर इमेज दिखेगी मिरर इमेज का मतलब जहां बिल्कुल जो अपोजिट कर लीजिए आप ठीक है ना अपोजिट करने का मतलब है ये देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है ना तो ये हो गया और इस तरीके से हम कर रहे हैं देखिए तो देखिए अंदर की तरफ आपको दिख रहा होगा अंगूठा मेरा साफ साफ है ना यस सर ठीक है चलिए अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं इस डायग्राम इसको हमने ये कर दिया और अभी हम क्या कर रहे हैं वापस से अभी सबको एरो नीचे की तरफ दिख रहा है ना क्यों Yes, sir. अब बताओ भाई इलेक्ट्रॉन yes, sir. जो है आउट ऑफ द पेज आउट ऑफ द क्या आया बताओ भाई सर आउट ऑफ द पेज आउट ऑफ द पेज गुड बिल्कुल सही जवाब है आप बाहर की तरफ है यानी कि आप सीख गए ठीक तो इस तरीके से इसका फार्मूले का यूज किया जाता है सबको समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम नो सर दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फिर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रोटॉन क्या कर रहा होगा मूव कर रहा होगा फ्रीली तो बताओ क्या बदलेगा उसका मास बदलेगा उसका स्पीड बदलेगा उसका वेलोसिटी बदलेगा या उसका मोमेंटम बदलेगा बता सकते हो कौन बदलेगा बताओ मास सोच के बताओ बताओ भाई मास ही बदलेगा मास बदलेगा और कौन बताएगा बोलो भाई और कोई बताओ सोच के एक प्रोटॉन है ठीक है कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड मास क्यों बदलेगा भाई आपके तो सोचने की बात है भाई मास फिक्स रहता है ना मास थोड़ी बदलेगा इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जब मूव करेगा फ्रीली मूव करेगा तो बदलेगी तो हमेशा ध्यान वेलोसिटी बिल्कुल परफेक्ट जवाब है क्योंकि स्पीड भी सही रहेगी सेम रहेगी लेकिन लगातार उसकी क्या बदलेगी डायरेक्शन बदलेगी और डायरेक्शन बदलेगी तो कौन बदलेगा वेलोसिटी बदलेगा और अगर वेलोसिटी बदलेगा तो मोमेंटम भी बदलेगा आप समझ गए कि नहीं टेक्निक क्यों क्योंकि आपको मोमेंटम का फार्मूला मालूम है ना मोमेंटम होता है पी वेक्टर ठीक है और इक्वल टू एम एम वी वेक्टर यानी कि वेलोसिटी भी डायरेक्शन होती मोमेंटम में भी डायरेक्शन होती अगर वेलोसिटी बदल रही तो कौन बदलेगा मोमेंटम भी बदलेगा अब आप बात समझ में आ गई सबको तो इसका yes, आंसर हो गया इसी प्रकार और क्वेश्चन भी है आप ये करके देख लीजिएगा घर पे आसानी से हो जाएंगे ठीक चलिए फिर बात आती बहुत इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रिक मोटर की आपको मालूम है कि आजकल इलेक्ट्रिक मोटर का कितना यूज है आपके घर में पानी के लिए कौन किसका इस्तेमाल होता है मोटर का इस्तेमाल होता है फैन चलता है तो किसका इस्तेमाल होता है मोटर का इस्तेमाल होता है विदाउट मोटर बहुत सारी चीजों की आप जो है को इमेजिन भी नहीं कर सकते है ना तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर को सिर्फ आपको समझना है तो कैसे समझेंगे चलो देखते हैं चलिए तो अब इसमें आपको देखो आपको होता है दो मैग्नेट दिख रहे होंगे दोनों मैग्नेट दिख रहे हैं आपको
एक नॉर्थ पोल दिख रहा है और एक साउथ पोल दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके बीच में ए बी सी डी एक क्वाइल है, क्वाइल दिख रही है सबको, रेक्टेंगुलर क्वाइल है, ठीक है। अब ये ए बी सी डी जो क्वाइल है तो ए बी सी एक वाला एक एंड आके एक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक एंड जो है डी वाला आपको दिख रहा है वाई से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या लगी, स्प्लिट रिंग लगी हुई है, स्प्लिट रिंग लगी हुई है मतलब आपस में जो पूरी जुड़ी नहीं होती है, स्प्लिट होती है। देखो बीच में आपको ब्रेक दिख रहा होगा, साफ साफ ब्रेक दिख रहा है इसमें, ठीक। और ये वाई एक्सिस में आ जाए, ठीक है। ये एक एक्सल लगा हुआ है, ये एक्सल क्या करेगा, जैसे जैसे ये मोटर जब जो जब मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कॉयल है लगातार क्या करेगी, घूमेगी, तो वैसे वैसे ये एक्सल भी क्या करेगा, तेजी से घूमेगा, जनरली जो होता ही है, ठीक है। आपकी ऑटोमोबाइल्स हैं यानी कि जितने आप व्हीकल्स हैं उसमें भी ये चीज देखते हैं। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर सप्लाई देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैटरी लगी हुई है और एक की लगी हुई है। सभी को डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। जो डायग्राम ना समझ में आया तो बता सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई ब्रशेस है, कि ब्रश है ऐसे ही एक तरीके से इंसुलेटेड ब्रशेस होते हैं, क्योंकि जब लगातार ये क्या करेगा ना, एक्सल घूमेगा जब तेजी के साथ में, तो फिर ये जो है एक मोशन होगा और मोशन में आपको फ्रिक्शन भी मालूम है होता है, तो रबर है जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो सर एक्सल क्या होता है? एक्सल एक्सल कुछ नहीं है, जैसे आपने देखा नहीं है कि आपके फैन को कभी आप जब सफाई करते हैं, टेबल फैन को खोलते हैं, तो उसमें गोल गोल एक्सल निकलती है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, देखा है ना, जो घुमाते हैं जिससे जिसमें आप पर कसते हैं, जो पंखे का पर होता है ना जिसमें कसा जाता है, तो वो एक्सल होता है, वही एक्सल ही तो घूमता है, तभी तो पंखे का पर घूमता है ना, ठीक है। तो उसको एक्सल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यस। और कोई डायग्राम में किसी को कोई चीज ना समझ में आई तो हमको बता सकता है, बताओ भाई, कोई ऐसा जिसको बात नहीं समझ में? हाँ बताओ। ये जो एबीसीडी क्वाइल है ये क्या है? ये क्वाइल है, रेक्टेंगुलर क्वाइल है, वायर जो होते हैं ना, वायर से क्वाइल बनाई जाती है, जैसे सर्कुलर क्वाइल आपने देखी हुई है, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी होती है। ओके सर, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये जो आपको पूरी दिख रही है, ये जो है ये पूरी की पूरी क्वाइल है, ये देखिए, ये जो है ना ये, ठीक है, पूरी क्वाइल, आप समझ गए, ठीक। यस सर। और ये जो एक्स और वाई दिख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्स और वाई जो है ये आपके क्या है, ये आपके ब्रशेस हैं। ये पी और क्यू क्या है, ये स्प्लिट रिंग्स हैं, यानी कि स्प्लिट रिंग से ही ये कॉइल जुड़ी होती है, और जब कॉइल घूमती है तो स्प्लिट रिंग साथ में क्या करती है, मूव करती है, और साथ में ये एक्सल घूमती है, समझ गए ना? यस सर। अब बहुत सिंपल सा रूल है इसका, देखो अभी आप पढ़ के आएंगे, जब भी कोई कंडक्टर होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कोई वायर अगर है, तो अगर उसमें वायर में करंट फ्लो करती है तो वो एक क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो मूव करता है, अप मूव करेगा या फिर डाउन मूव करेगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? उसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर में भी किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर में आप हम बताते हैं क्या होता है, कि जैसे ही आपने ये पॉजिटिव, आपको ये पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक, और ये निगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिख रहे हैं, जैसे कनेक्शन कर दिया, अब बताओ ए बी सी डी में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है, बताओ, कर रही है ना, ए बी सी डी में इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है कि नहीं फ्लो कर रही है? यस सर। यस सर। बोलते जाओ साथ में, हाँ कर रही है, ठीक। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर सपोज देखो ए बी वाले को देखो, ए बी वाले में जो है करंट फ्लो कर रही है, ठीक, समझ गए कि नहीं, ये रहा ए बी, ए बी में करंट फ्लो करेगी, दोनों तरफ मैग्नेट्स रखे हुए हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ए बी है, तो ए बी में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जैसे ही फोर्स लगेगा ये क्या करेगी, घूमने लगेगी, ठीक है। ठीक उसी समय जो सी डी आपको दिख रहा है उसमें भी आपको क्या लग रहा है, फोर्स दिख रहा है, तो क्या होगा, इस तरीके से मेरा हाथ देखिए, जैसे ये कॉइल रखी हुई है, जैसे करंट फ्लो करना शुरू करेगी ये कॉइल, क्या करेगी, ऐसे करके ये क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी, इस तरीके से घूमने लगेगी, और ऐसे तो मोटर भी घूमती है ना, क्यों भाई, ऐसे तो इलेक्ट्रिक मोटर भी घूमती है ना, ठीक। अच्छा अभी अगर मेरे पास मोटर कोई खुली होती है तो हम आपको दिखाते भी, एक मिनट रुकिए जरा, ठीक। तो ये एक पूरा इलेक्ट्रिक, अभी हम आपको लाइव इलेक्ट्रिक मोटर भी दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअल में कैसी होती है, और ये लगातार कॉइल घूमती रही है हमको, और जो पूरा का पूरा एक तरीके से वो है क्या बोलते हैं उसको,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। मैं इलेक्ट्रिक मोटर सबको समझ में आया सर? एबी से करंट जाता है और फिर सीडी से उधर वापस आता है ब्रशेस के। करंट तो पूरी जा रही है ए से बी, बी से सी, सी से डी पूरी जा रही है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर साइड दिखती है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर साइड पे ही फोर्स लगता है, क्योंकि पढ़ा भी था फोर्स कहाँ काम करता है, जो लेंथ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसलिए वहां पर दो साइड पे काम करेगा, एक उठाएगा और दूसरा दूसरी तरफ घुमाएगा। तो इस तरीके से कॉइल लगातार क्या करती रहेगी, घूमती रहेगी। अभी हम आपको दिखाते भी तो चलिए हम आपको फटाफट अभी एक मोटर दिखाते भी हैं कि एक्चुअल में जो मोटर है किस तरह से होती है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। Yes. देखिए ये एक ओरिजिनल मोटर है, ठीक, ये आपको मोटर दिख रही है। जो एक्सल आप लोग पूछ रहे थे ना, ये एक्सल है, ये दिख रहा है ना, ये पॉइंट दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये एक्सल है, ठीक है, बड़ा हुआ है। कोई छोटी वाली मोटर अगर खुल जाए तो लाओ फटाफट दिखाए, ठीक। और ये देखिए, ये हम आपको इसमें दिखाते हैं, ये बिल्कुल पास्ट हम दिखा रहे हैं आपको। देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग, ये जो हम टच कर रहे हैं ना, ये स्प्लिट रिंग है, अभी उसमें जो दिखा रहे थे आपकी, ठीक, हाँ खुल गई, ठीक, स्प्लिट रिंग है ये, है ना, ठीक। और देखिए अब मेरे पास मोटर खुल गया है, ये देखिए, ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये मोटर आपको दिख रही है। देखिए कई टाइप की मोटर्स हैं, एक आपको ये देखिए, ये मोटर है, अंदर का पार्ट खुला हुआ है और ये उसका एक्सेल है, ठीक, ये वाला जो है ना, ये एक्सेल है उसका, ठीक। इसी प्रकार एक ये मोटर देखिए, ठीक है, ये देखिए, ऐसी मोटर आपने देखी होगी, ये इसका एक्सेल दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है, ये घूमता है फ्रीली, ये पूरी मोटर इस तरीके से गोल गोल घूमती रहती है, जैसे हम घुमा रहे वैसे वैसे ये घूमती रहती है, ठीक। एक इस तरह की, ये देखिए एक मोटर ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इस तरह की भी मोटर होती है, शिप इसके अंदर आप देखिए, आपको दो मैग्नेट साफ दिख रहे हैं? यस सर, दो मैग्नेट साफ दिख रहे हैं ना, आप देखिए कैसे असेंबल करेंगे इसको। आप इसको बस क्या करना, देखिए जरा, ये देखिए ये पूरी क्वाइल है, ठीक है, इस क्वाइल को इसी मैग्नेट के अंदर हम क्या करते हैं, लगा लगा देते हैं, ये देखिए लग गई, ये देखिए ये फिट हो गई, ये पूरी की पूरी फिट हो गई, चली गई। और बस इसके बाद में ये देखो, ये जो इसका आपको दिखा रहा है, इसका कैप है, और अभी और ये देखिए पूरी की पूरी हो गई। अब आपको एक्चुअल में मोटर ऐसी दिखती है ना सबको? यस सर, ये छोटी है, ये इसका बड़ा फॉर्म दिख रहा है, और ये देखिए बस, ये जो आपको दो ये दिख रहे हैं, ये इसमें बस आपको पावर सप्लाई देना है, बस घूमने लगेगी। नो साउंड बंद कर दिया। अब देखो फैन दिखा है? और वापस से कलेक्ट करते हैं। Yes, sir. अब दिखा, तो अभी आपको खुली मोटर दिखाई थी, अब हमने क्या करा, जैसे ही ये पावर सप्लाई थी, यहां से तुरंत क्या होने लगा, वो जो कॉइल अंदर दिख रही थी ना, वो दोनों मैग्नेट के बीच में तेजी से घूमने लगी, ठीक है, उससे लगी एक्सल घूमने लगी, उसी एक्सल में हमने ये लगाया है पंखा, ये देखो yes, बंद हो गया, उसी एक्सल से लगाया पंखा। इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आ गया, विद लाइव डेमो? यस सर, ठीक है। yes, अब आपका काम है घर पे अच्छे से पढ़िए, यही जो चीजें टॉपिक पढ़ाए इसी टॉपिक को एनसीईआरटी से खूब अच्छे से पढ़िएगा, कुछ पॉइंट्स वाइज नोट्स बना लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर तक रखेंगे, ये पूरा रिवाइज करना है, नेक्स्ट वीक में आपकी क्लास में हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे।